क्या होगा अगर एक गुब्बारे को कार के साइलेंसर में बांध दिया जाए तो, और भारत में मिलने वाले एक ऐसी पेड़ जिसमें साक्षात राम बसते हैं, लेकिन ये पेड़ है कहाँ, और एक ऐसे जूते जो 55 साल पुराना है, लेकिन क्या है इस जूते की हकीकत, जानने के लिए बने रहना वीडियो के अंत तक। फैक्ट्स नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि भारत की धर्म नगरी अयोध्या में एक ऐसी पेड़ है जिसमें राम बसते हैं। दरअसल दोस्तों इस पेड़ की तने का छिलका काफी चिकना होता है, इस वजह से वो सूखकर नीचे गिरता रहता है। ऐसे में ये कहा जाता है कि जब ये छिलका नीचे गिर जाती है तो पेड़ का उस हिस्सा पर राम सीता और कई बार तो श्री सीता राम शब्दों की दिखाई देता है। दोस्तों ये पेड़ कदम्ब प्रजाति की एक पेड़ है। स्थानीय लोग इस पेड़ को श्री राम की प्रतीक मानकर इसे पूजा करती है। राम नाम की इस अद्भुत पेड़ के पास हर साल पितृ विसर्जन के दिन एक बड़ी मेला का आयोजन होता है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए देश की हर कोने कोने से लोग आती है। फैक्ट्स नंबर 2, दोस्तों स्क्रीन पर आप जिस जूते की तस्वीर देख रहे हैं, इस जूते की हाल देखकर आप इतनी तो जरूर समझ गई होगी कि ये जूता काफी पुराना है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जूता 55 साल पुराना है। इसे दुनिया का सबसे पुराना जूता कहा जाता है। इस जूते को आर्कियोलॉजिस्ट एक्सपर्ट की एक टीम ने आर्मेनिया की एक गुफा में पाया था। इस जूते के भीतर घास भरी हुई थी। आर्कियोलॉजिस्ट जब ये जूते को देखा तब वो समझ नहीं पाई कि जूते के अंदर घास पैर कान रखने के लिए भरा गया था, सिर्फ जूते की आकार को बनाए रखने के लिए। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों गर्लफ्रेंड छोड़कर चले जाने के बाद अक्सर लोग दुखी हो जाती है, लेकिन क्या हो इसी चीज एक शख्स के लिए लकी साबित हो जाए तो। साउथ अफ्रीका की जोहान्सबर्ग में रहने वाली एक शख्स की गर्लफ्रेंड जब उसे छोड़कर चले गई, वो बेहद निराश हो गई थी, लेकिन उस शख्स की किस्मत तो देखिए, उसी दिन वो करोड़पति बन गया। फाइनेंस सेक्टर में काम करने वाले शख्स की गर्लफ्रेंड जाने के बाद उसी दिन उसको 30 करोड़ की लॉटरी लग गई। फैक्ट नंबर 4, आपने अक्सर हॉलीवुड फिल्मों में शादियों के दौरान दुल्हन को गाउन पहने देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है फ्रांस की एक कंपनी ने एक ऐसी गाउन डिजाइन किया है जिसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। फ्रांस की कंपनी डायनामिक प्रोजेक्ट द्वारा बनाया गया इस गाउन की लंबाई 895 मीटर है, यानी कि 8 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इस गाउन को लेकर कंपनी की दावा है कि ये गाउन माउंट एवरेस्ट को भी कवर कर सकती है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कार का इंजन कितना शक्तिशाली होता है। दोस्तों क्या होगा जब एक गुब्बारे को कार की साइलेंसर से बांध कर कार को स्टार्ट करा जाती है। आइए बिना ज्यादा देर के हम इस एक्सपेरिमेंट को देख लेते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए पहले एक कार लिया जाती है, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग गुब्बारा लिया जाता है, उसके बाद उस गुब्बारे को कार की साइलेंसर पर टेप किया जाता है। उसके बाद जब गाड़ी स्टार्ट होती है तब गुब्बारे को धीरे धीरे फूलते हुए देख सकते हैं। थोड़ी देर बाद गुब्बारे अधिक हवा से भर जाती है तो ये बहुत बड़ा हो जाता है। कुछ समय बाद गुब्बारे ज्यादा फूलने के कारण फट जाती है।